जीटीवी के मालिक और हरियाणा से राज्यसभा के सांसद रहे सुभाष चंद्रा के परिवार के लिए शर्मनाक हालात पैदा हो गए हैं। बैंक का 500 करोड़ का कर्जा नहीं चुकाने के चलते अब बैंक ने उनके घर की कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। 2018 में सुभाष चंद्रा के परिवार ने LIC हाउसिंग फाइनेंस से 500 करोड़ का कर्जा लिया था, लेकिन समय पर इसे नहीं चुकाया। बैंक ने बार बार इनके पास रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन परिवार ने इसे चुकाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसके चलते 2021 में बैंक का कर्जा बढ़कर 570 करोड़ हो गया और बैंक ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया। उसके बाद भी बैंक ने सेटलमेंट के लिए इनके मौके दिए, लेकिन सारे प्रयास नाकाम रहने के चलते और गोयनका परिवार के इस कर्जे को चुकाने में इंटरेस्ट के नहीं होने के चलते अब परिवार ने फाइनल तौर पर इस प्रॉपर्टी पर, इस घर पर कब्जा लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सुभाष चंद्रा का ये आलीशान घर मुंबई के मरीन ड्राइव पर स्थित है और ये 7 मंजिला आलीशान घर है। इस घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं और ये सुपर VIP घरों की कैटेगरी में आता है। पूरा गोयल परिवार इस घर में रहता है, लेकिन अब इस परिवार को ये घर छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा और बैंक ने इस घर पर कब्जा लेने के आदेश जारी कर दिए हैं। सुभाष गोयनका बार बार इस मामले में विवादों में रहे हैं, बार बार उनके लिए रिमाइंडर भी आए हैं, लेकिन जानबूझकर ये कर्जा नहीं चुकाया गया, जिसके चलते बैंक अब इस घर की कुर्की करने जा रहा है। आपको ये बता दें कि सुभाष चंद्रा BJP के और कांग्रेस के स्याही कांड की बदौलत ही हरियाणा से राज्यसभा के सांसद बने थे। वो GTV के मालिक हैं और देश के बड़े जाने माने चेहरों में शामिल हैं। उनके बैंक के कर्जे को लेकर भी बार बार सवाल निशान उठाए जाते रहे कि उनको एक सेफ भी दिया जा रहा है, लेकिन घर के मामले में उनकी कोई बात नहीं बनी, उनकी सेटिंग नहीं बनी, जिसके चलते अब LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उनके घर की कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। सुभाष चंद्रा हरियाणा की सियासत में बड़ा चेहरा बनना चाहते थे। पहले GTV के जरिए उन्होंने पूरे देश की मीडिया की पहली पंक्ति में अपनी जगह बनाई और उसके बाद BJP के सहयोग से वो पूरे देश के टॉप के बिजनेसमैन में शामिल भी हुए। अब उन्होंने अपना ज़्यादातर बिजनेस अमेरिका में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन उनका मरीन ड्राइव का घर सभी के आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि वो सुपर VIP इलाके में शामिल है। बैंक ने अपनी शर्तों के अनुसार इस मामले में गारंटर होने के चलते सुभाष चंद्रा के इस घर को कुर करने का आदेश जारी कर दिया है। अब बैंक जल्दी ही इस घर पर कब्जा ले लेगा, जिसके चलते गोयल परिवार के इस घर के ऊपर उनका मालिकाना हक नहीं रहेगा और उन्हें यह घर खाली करना पड़ेगा। आपको बता दें कि 2018 में सुभाष चंद्रा के परिवार ने इस घर के बदौलत ही, घर के बदले में ही 500 करोड़ का कर्जा लिया था, लेकिन इस कर्जे को चुकाने का काम नहीं किया गया, जिसके चलते बैंक को मजबूरी में इनके खिलाफ नोटिस जारी करने पड़े, इनके खिलाफ डिफॉल्टर का केस बनाना पड़ा और अब 30 सितंबर को इस मामले में फाइनल फैसला करते हुए LIC हाउसिंग फाइनेंस ने इस घर को कुर करने का आदेश जारी कर दिया है। यानी अब यह घर LIC हाउसिंग फाइनेंस का अपना खुद की प्रॉपर्टी बन जाएगी और इस घर से न तो सुभाष गोयनका का परिवार का कोई वास्ता रहेगा और न ही उनका कोई मालिकाना हक रहेगा। सुभाष चंद्रा का परिवार लगातार विवादों में रहा है। कभी GTV के जरिए सुभाष चंद्रा देश के टॉप बिजनेसमैनों में शामिल रहे थे, लेकिन GTV के बिजनेस में भी उन्हें बाद में घाटा पड़ा, उनके दूसरे बिजनेस भी नहीं चल पाए, जिसके चलते उनके ऊपर हजारों करोड़ की देनदारी भी बनी। इन देनदारियों के बीच में कई केसों की सेटलमेंट भी हुई, यानी कई केस इस मामले में सेट हो गए, लेकिन इस घर का मामला सेट नहीं हुआ और इसलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सुभाष चंद्रा के इस घर को कुर करने का आदेश जारी कर दिया है, कब्जा लेने का आदेश जारी कर दिया है। यानी सुभाष चंद्रा का मुंबई का मरीन ड्राइव का ये 7 मंजिला आलीशान घर अब LIC हाउसिंग फाइनेंस जब्त कर लेगी, उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सुभाष चंद्रा परिवार के लिए घर का जब्त होना एक बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि सामाजिक तौर पर डिफॉल्टरों की कैटेगरी में सुभाष चंद्रा आ गए हैं और ऐसे में उनके घर की प्रॉपर्टी का जब्त होना उनके लिए सियासी, सामाजिक और बिजनेसमैन के तौर पर एक बड़ा नुकसान कहा जाएगा, उनके ऊपर एक कलंक कहा जाएगा। आपको यह भी बता दें कि सुभाष चंद्रा बेसिक तौर पर हिसार शहर से संबंधित रहते हैं, उनके पिता वहीं पर रहते आए हैं, उनका पूरा परिवार और उनका पूरा सामाजिक दायरा भी हिसार में ही रहा है। हिसार से बाहर निकलकर सुभाष चंद्रा ने GTV के जरिए अपनी एक बड़ी पहचान बनाने का काम किया, वो एक नेशनल फिगर भी बने, लेकिन कर्ज चुकाने के मामले में उनके मन में खोट रहा, या ये भी कह सकते हैं उनके
बिजनेस फेल हो गए, जिसके चलते वो कर्ज चुकाने में नाकाम रहे और अब इसीलिए LIC हाउसिंग फाइनेंस ने उनका मुंबई का मेरिन ड्राइव का 7 मंजिला घर खाली करने का आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि जल्दी ही LIC हाउसिंग फाइनेंस इस घर पर अपना कब्जा ले लेगा। वो इस संपत्ति को कुर्क करने जा रहा है, इसके बाद इस घर की नीलामी भी LIC हाउसिंग फाइनेंस कराने का काम करेगी। आज का दिन सुभाष चंद्रा के परिवार के लिए एक काला दिन कहा जाएगा, क्योंकि सुभाष चंद्रा ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इस तरह से अखबारों में विज्ञापन देकर LIC हाउसिंग फाइनेंस उन्हें डिफॉल्टर घोषित करने का काम करेगी। उनके 500 करोड़ के कर्जे के वापस नहीं करने के चलते उनके घर को कुर्क करने का काम करेगी, उसके ऊपर कब्जा लेने का काम करेगा। सुभाष चंद्रा के लिए ये सामाजिक तौर पर बेहद बड़ा नुकसान है, क्योंकि जो रसूख उन्होंने बरसों की मेहनत से कमाया था, अब वो डिफॉल्टर होने के चलते अब वो सारा का सारा रसूख, वो सारी साख, वो सारा रुतबा मिट्टी में मिल गया है, और अब सुभाष चंद्रा परिवार के लिए इस मामले में बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। बेशक व्यापारिक तौर पर सुभाष चंद्रा ज़्यादा कामयाब नहीं हुए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि उन्होंने अपना बचा खुचा सारा बिजनेस USA में शिफ्ट कर दिया है और पूरी फैमिली अब वहीं पर सेटलमेंट होकर अब बिजनेस की अगली पारी शुरू करने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक हिंदुस्तान के बिजनेस की बात है, जहां तक हिंदुस्तान की सियासत की बात है और जहां तक हिंदुस्तान के सामाजिक दायरे की बात है, उस सारे के सारे मामले में सुभाष चंद्रा का परिवार अब बैंक के नज़रिए से डिफॉल्टर हो गया है। उसने बैंक का 500 करोड़ का कर्जा नहीं चुकाया, जिसके चलते बैंक ने उनको डिफॉल्टर घोषित कर दिया और उनके मुंबई के घर की जब्ती के कुर्की के आदेश जारी कर दिए हैं। सुभाष चंद्रा परिवार के आगामी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सुभाष चंद्रा के इस मामले में अगली सेटलमेंट के लिए की कोशिशों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।